सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, एक नहीं दो पिक ऑफ द डे देना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले है पावर ग्रिड। अनिल जी, लगातार सरकारी कंपनियों की बात करते आ रहे हैं हम लोग, और पावर ग्रिड में मुझे लगता है कि अनिल जी दो दिन का करेक्शन पूरा हो चुका है। कल के डेट में भी अगर आप देखें तो नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई, मुझे लगता है कि आज भी तेजी बनी रहेगी। तो पावर ग्रिड खरीद करके चलना है, यहाँ पर 351 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 361 रुपए का, दूसरा टारगेट 365 रुपए का। तो खरीदारी की राय है पावर ग्रिड में, और दूसरी खरीदारी की राय है निजी फेडरल बैंक में, जिसमें के बाजार के बनिस्पत एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कल के ट्रेड में भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ, और एक बहुत पहले 3-4 सत्र पहले एक गैप बना था फेडरल बैंक के चार्ट पर, जिसको कल इस स्टॉक ने पूरा किया है, गैप को फिल किया है। तो यहाँ पर एक एग्जॉशन गैप बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो फेडरल बैंक खरीद करके चले, यहाँ पर 195 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। 202 और 206 ये दो टारगेट्स हैं जिनके लिए फेडरल बैंक में भी मेरी खरीदारी है। ओके, फेडरल बैंक और पावर ग्रिड दोनों स्टॉप लॉस बहुत छोटा छोटा लगा है कुणाल जी, 2-2 रुपए का। कुछ इस कंजूसी की कोई खास वजह सर? अनिल जी देखिए, पहले तो ये फ्यूचर के लेवल्स हैं, दूसरा अनिल जी क्या है कि जिस तरह का बाजार में मूड माहौल है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस से ही ऑपरेट करना चाहिए, जिससे रिस्क हमेशा प्रोटेक्टेड हो। तो छोटा स्टॉप लॉस अनिल जी बेहतर स्टॉप लॉस। ओके, अच्छा फ्यूचर्स के लेवल है, तो फिर हम कैश के लेवल के साथ बता रहे थे। आइए फ्यूचर के लेवल के साथ बताए जाए जरा, पावर ग्रिड और फेडरल बैंक दोनों ही एक बार फिर से ले आए। हाँ, अब स्टॉप लॉस ठीक लगे, फेडरल बैंक पावर ग्रिड 355। हाँ, अब ठीक है। मैं वही सोचा 2-2 रुपये के नहीं है, और फेडरल बैंक के फ्यूचर 97.5 के आसपास। ठीक है, परफेक्ट, अभी बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल लेवल्स ठीक है। आइए अविनाश जी का भी